लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे नेम रिएक्शन, क्या पढ़ रहे थे, नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन में हमने कैनिजारो डिस्कस करा और हेलोफॉर्म डिस्कस करा। कौन कौन सा रिएक्शन, कैनिजारो एंड हेलोफॉर्म। कैनिजारो के लिए अल्फा हाइड्रोजन 3-0, ठीक है, ओके। कैनिजारो के लिए अल्फा हाइड्रोजन 0 और हेलोफॉर्म के लिए और एल्डोल के लिए 1। तो देखो यहां पर मैंने आपको O3ZnH2O बताया था लास्ट क्लास में, तलवार चलाना सिखाया था। अगर एक डबल बॉन्ड है तो तलवार एक बार और दो है तो दो बार। अब आप देखो ऑर्गेनिक कैसी गोल है, C CCH, बताओ अल्कीन है या अल्काइन। अगर इस अल्काइन में आपने डाला रेड हॉट आयरन ट्यूब तो साहब ये क्या बन जाएगा, बेंजीन। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मां बन गई, इसे हम बोलेंगे बेंजीन। क्या ये बेंजीन ESR देगा या नहीं देगा, देगा। साहब इसके अंदर मैंने डाला O3ZnH2O, तलवार चलेगी या नहीं चलेगी, चलेगी। एक बार या पांच बार, तो तलवार ऐसे चलेगी खचा खच खच और यहां पर बन जाएगा CHO CHO और इसका नाम होता है ग्लाइऑक्सल। 3 मोल बनता है, कितना मोल, 3 मोल। क्या ये टोलेन देगा, फेलिंग देगा, बेनेडिक देगा, केनिजारो देगा या नहीं देगा। तो साहब इसमें मैंने डाला 50% KOH, तो रिएक्शन कौन सा है, केनिजारो। केनिजारो में 1 मोल ऑक्सीडाइज और 1 मोल रिड्यूस। ऑक्सीडाइज वाला एसिड या एसिड का सॉल्ट, एसिड का सॉल्ट, और दूसरा वाला क्या बनेगा, अल्कोहल। बताओ यहां कितनी करीना है, 3। साहब इसमें मैंने डाला रेड फॉस्फोरस HI, इसका क्या नारा, जो जो भी टकराएगा अल्केन बन जाए। तो 2 करीना वाला अल्केन क्या बनेगा, इथेन। इथेन बना, मीथेन बना, इथेन। इथेन में साहब मैंने डाला Cl2 रोशनी, अभियान चलेगा, हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन लगाओ। रिएक्शन का नाम क्या है, FSR। कौन सा है, FSR। हाइड्रोजन हटाकर क्या लगा दिया, Cl। अब साहब यहां पर मैंने डाला एक्वस NaOH, क्या डाला, एक्वस NaOH। एक्वस NaOH Cl हटाकर क्या लगाता है, OH। और एल्कोहलिक डालते तो डबल बॉन्ड बनाता है, क्या बनाता है, डबल बॉन्ड। एक्वस NaOH Cl हटाकर क्या लगाता है, OH। और एल्कोहलिक डालते तो डबल बॉन्ड, तो एक्वस डाला तो यहां Cl हटाकर क्या लग गया, OH। ये बताओ प्राइमरी अल्कोहल या सेकेंडरी है, प्राइमरी है सेकेंडरी है। साहब इसके अंदर मैंने डाला PCC, PCC प्राइमरी अल्कोहल को क्या बनाता है, LDI। अगर एसिड बनाना है तो क्या डालेंगे, KMnO4। तो यहां पर साहब प्राइमरी अल्कोहल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एल्डिहाइड में। अब बताओ क्या ये वही एल्डिहाइड है जो टोलेन देता है, फेलिंग देता है, केनिजारो, हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म देता है, आइडोफॉर्म देगा या नहीं देगा, देगा। साहब ये I2NaOH के साथ येल्लो पीबीडी देगा, कौन सा पीबीडी, येल्लो पीबीडी। आइडोफॉर्म का तरीका क्या है, इस कार्बन को क्या बनाएंगे, आइडोफॉर्म, बचाव पार्ट एसिड का सॉल्ट। तो यहां पर साहब इसे आइडोफॉर्म बना दिया और बचाव पार्ट एसिड का क्या बन गया, सॉल्ट। अब साहब ये नया है, आइडोफॉर्म को रिएक्ट करा रहा हूं मैं HG के साथ, किसके साथ, HG के साथ, और जैसे ही HG के साथ हीट करेंगे यहां C CH बना। बताओ अल्कीन बना या अल्काइन, कैसे रेड हॉट कॉपर ट्यूब में डालना आता है, रेड हॉट कॉपर ट्यूब या आयरन ट्यूब में डालेंगे क्या बनेगा, बेंजीन। तो साहब यहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मां बन गई, इसे क्या बोलेंगे, मामा बेंजीन। अच्छा क्लोरीनेशन का इलेक्ट्रोफाइल, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, बोल्बे, रीमा टीमा, बोल्बे। अब देखो ऑर्गेनिक गोल है, कहां से घुस रहे हैं, कहां से निकल रहे हैं, यहां से मैंने डाला Cl2AlCl3। बताओ ESR है या FSR, ESR। और Cl2 के साथ रोशनी दिया होता तो FSR। तो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल Br+ या I+, और Cl+ एज ए इलेक्ट्रोफाइल यहां पर जाएगा और बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। अब इस क्लोरोबेंजीन से साहब NaOH आकर बोलता है कि बेंजीन के साथ जो है बंधन तोड़ दो, यहां पे नाता तोड़ दो। तो राजकुमारी कल्लो ने मना कर दिया कि मेरे इसके साथ दो दो रिश्ते हैं। कितने रिश्ते हैं, 2, एक तो सिग्मा बॉन्ड का और दूसरा पाई बॉन्ड का। तो साहब यही बात नागवार गुजरी, भाई ने अपना टेम्परेचर बढ़ा डाला और रिएक्शन को जबरदस्ती करा डाला और राजकुमारी को भगा डाला और यहां पर क्या बना डाला, फिनॉल। फिनॉल का OH के रिंग पर कौन सा बैग, माइनस एम। कहां लगता है, ऑर्थो पैरा, आबाद बर्बाद,
अच्छा जी, यहाँ पर अगर हमने सबसे पहले डाला NaOH, फिर डाला CO2, फिर डाला H+, बोल बैक इलेक्ट्रोफाइल, क्या ये CO2 इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं है? है। और इस रिंग में कहाँ कहाँ जाएगा? ऑर्थोपैरा। जनरली मेजर जो बनेगा वो क्या बनेगा? पैरा। जनरली मेजर पैरा बनता, मगर यहाँ क्या बनेगा? ऑर्थो, क्योंकि यहाँ क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब साहब इसके सामने आया लाइम 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 सोडा लाइम, क्या ये लेके भागेगा क्या? फिनॉल की या एसिड की? और जिंक डस्ट किसके लेके भागता है? फिनॉल के। तो यहां बिचारे की लेकर भाग गया, और जैसे लेकर भागा यहां पर साफ बन गया फिनॉल। बताइए फिनॉल में OH का रिंग पर कौन सा इफेक्ट? प्लस है। कहां का लगा? ऑर्थोपैरा। ऑर्थोपैरा आबाद बर्बाद? बर्बाद। बर्बाद या आबाद? अच्छा इसमें डाला NaOH CO2 H+ कौन सा रिएक्शन? वही, क्या नाम बताओ? बोलवे। और बोलवे इलेक्ट्रोफाइल और रीमा टीमा साहब, अगर मैंने यहां पर क्लोरोफॉर्म और NaOH डाला तो रिएक्शन का नाम है रीमा टीमा। कौन सा? रीमा टीमा। और रीमा टीमा इलेक्ट्रोफाइल कार्बिन, और कार्बिन ऑर्थो पर जुड़ता है, और यहां जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है सैलिसिल्डिहाइड। क्या बनता है? सैलिसिल्डिहाइड। ये भी ऑर्थो इसलिए बन रहा है क्योंकि क्या हो रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब साहब यहां पर मैंने डाला जिंक डस्ट। जिंक डस्ट क्या है? एल्डिहाइड की लेके भागेगा फिनॉल की? जैसे ही जिंक डस्ट डाला भाई साहब, फिनॉल की गायब, और वो उसी की होकर रह गई किसकी? ZN की। और ZN की ऑक्साइड बन गई, और यहां पर बन गया ये एल्डिहाइड। ये बताओ यहां से कहीं और ले चलू घुमाने? बताइए एल्डिहाइड का रिंग पर कौन सा इफेक्ट? प्लस एम। कहां कहां लगता है? ऑर्थोपैरा आबाद बर्बाद। माइनस एम कहां कहां लगेगा? कहां कहां? पक्का या कच्चा? अच्छा बताओ टोलेन देगा? हेलोफॉर्म देगा? हेलोफॉर्म, अरे थोड़ा सा यार। केनिजारो? केनिजारो देगा? साहब इसके अंदर अगर आपने 50% KOS डाला तो रिएक्शन कौन सा है? केनिजारो। केनिजारो में एक मोल ऑक्सीडाइज और एक मोल रिड्यूस, और जो ऑक्सीडाइज होगा वो क्या बनेगा? एसिड का सॉल्ट, और दूसरा जो रिड्यूस होगा वो क्या बनेगा? अल्कोहल। तो यहां पर साफ बन गया अल्कोहल। ये बताओ प्राइमरी अल्कोहल या सेकेंडरी? सेकेंडरी। अब इस प्राइमरी अल्कोहल में मैंने डाला ZnHgCl। मेंशन मेंशन क्ली मेंशन, बताया था क्या या नहीं बताया? तो साहब मेंशन मेंशन क्ली मेंशन, दिस इज क्ली मेंशन रिडक्शन। एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन बनाता है। किसे? एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन। क्या ये एल्डिहाइडिक कार्बन है क्या? तो रिएक्शन या नो रिएक्शन? नो रिएक्शन। अब साहब अगर यहां पर आपने डाला पीसीसी, क्या डाला? पीसीसी। मैं इसका रिएक्शन करा रहा हूं। पीसीसी प्राइमरी अल्कोहल को क्या बना देगा? एल्डिहाइड। और जब मैंने KMnO4 डाला तो प्राइमरी अल्कोहल को क्या बनाएगा? एसिड। तो साहब यहां पर ये बन गया एसिड। अब इस एसिड में हमने जो है निमोनिया डाला। क्या डाला? निमोनिया। निमोनिया एक तरह का क्या है? बेस। बेस को क्या पसंद है? एसिड को क्या पसंद है? एसिड ने किसे देखा? बेस ने किसे देखा? आंखों ही आंखों में क्या हो गया? सबसे पहले क्या बनेगा? सॉल्ट। और अगर साहब इस सॉल्ट को हीट कर दिया जाए तो यहां से पानी निकल कर क्या बन जाएगा? अमाइड। और यहां पर ये बन गया प्रोडक्ट अमाइड। क्या आपने नाली वाले का नाम सुना है क्या? ताली वाला नाम सुना है क्या? साहब Br2KOH डाला, कौन सा रिएक्शन है? ताली वाला। इसके जवाड़े से क्या निकाल देगा? CO। और कार्बन नाइट्रोजन को जोड़ देगा, और यहां पर एनिलीन बनेगा। एनिलीन का रिंग पर कौन सा इफेक्ट? अच्छा सोडियम बोराइडेट कितनों को? दीवाल कितनों को? साइनाइड ईस्टर को क्या बनाता है? रेड फॉस्फोरस HI का क्या नारा? NO2 को NH2 बनाना आता है क्या? क्या डालते हैं? SNHCl, FeSCl, H2PD। क्या? BDC को बेंजीन बनाना आता है क्या? क्या डालते हैं? H3PO2 और इथेनॉल। साहब यहां पर मैंने पहले कराया डाई एजोटाइजेशन। क्या कराया? डाई एजोटाइजेशन। और डाई एजोटाइजेशन इस एनिलीन को बनाएगा BDC, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अब बताओ BDC को बेंजीन बनाना आता है या नहीं आता है? क्या डालेंगे? H3PO2 और इथेनॉल, दोनों में से कुछ भी यूज करेंगे, BDC क्या बन जाएगा? बेंजीन। क्या ये वही बेंजीन है जो ESR देता है? यहां से बाहर निकल जाए क्या? अच्छा यहां पर मैंने डाला HNO3H2SO4। बताइए नाइट्रेशन या सल्फोनेशन? नाइट्रेशन का इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? NO2+ रिंग में जाएगा, और बनने वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा? नाइट्रो बेंजीन। अच्छा बताओ NO2 को NH2 बनाना आता है?
क्या डालेंगे? SNSCl Fe SCl H2 PD। बीडी या पीडी? तो साहब NO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NH2। अच्छा NH2 का रिंग पर कौन सा इफेक्ट? कहां कहां लगेगा? ऑर्थो पर, आबाद पर, बाद आबाद पर, बाद। अच्छा यहाँ NaNO2HCl डाला, कौन सा रिएक्शन है? डाई एजोटाइजेशन। एनिलीन को क्या बना देता है? BDC। क्या बनाएगा? BDC। अच्छा BDC में मैंने H3PO2 डाला तो वापस क्या बन जाएगा? बेंजीन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की माँ बन गई। और इसमें O3ZnH2O डाला, क्या हो जाएगा? खचाखच खचखच खच, कितनी बार? और यहां पर ऑक्सेल या ग्लाई ऑक्सेल? ग्लाई ऑक्सेल। क्या ये टॉलेन देगा? पेलिंग देगा? बेनेडिक देगा? केनिजारो देगा? केनिजारो, ये केनिजारो देता है? दिमाग खराब है क्या? अल्फा हाइड्रोजन कितने? जीरो। अल्फा हाइड्रोजन जीरो, इसे जीरो बोलते हैं आजकल, ठीक है? अल्फा हाइड्रोजन कितने? बहुत सारे ऐसे तीन भी बोलते हैं, इसे तीन बोलते हैं क्या? कि सर मैं ये नहीं बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था, ये तीन है, ठीक है? तो बताइए टॉलेन देगा या नहीं देगा? अच्छा सोडियम बोरोहाइड्रेट कितनों को? किस किस को? एसिडलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन। क्या ये एल्डिहाइड है? क्या बनाएगा? अल्कोहल। ये एल्डिहाइड है? क्या बनाएगा? अल्कोहल। और दोनों को बना देगा साहब क्या? अल्कोहल। अब मैं आपको एक नया रिएजेंट याद कराता हूं ऑक्सीडेशन का, जिसका नाम है HIO4। क्या नाम है? HIO4, पर आयोडिक एसिड। क्या नाम है? पर आयोडिक एसिड। अल्कोहल को भी करता है, एल्डिहाइड को भी करता है, कीटोन को भी करता है, मगर आजू बाजू। किसको? आजू बाजू, मतलब या तो अल्कोहल अल्कोहल आजू बाजू हो, एल्डिहाइड एल्डिहाइड आजू बाजू हो, अल्कोहल एल्डिहाइड आजू बाजू हो, ऐसे ही याद रहेगा आजू बाजू। बताओ अल्कोहल को करेगा? एल्डिहाइड को? कीटोन को? कौन सा? आजू बाजू। बताइए ये दोनों अल्कोहल अल्कोहल आजू बाजू है या नहीं है? ये एल्डिहाइड एल्डिहाइड आजू बाजू है या नहीं है? इसे करेगा नहीं करेगा? इसे करेगा नहीं करेगा? इसे इसे नहीं करेगा, अकेला एल्डिहाइड है। हमें क्या चाहिए? आजू बाजू, या तो अल्कोहल अल्कोहल, एल्डिहाइड एल्डिहाइड, कीटोन कीटोन, अल्कोहल एल्डिहाइड, कुछ भी हो मगर कैसा होना चाहिए? आजू बाजू। अच्छा अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड से क्या बनता है? एसिड। तो यहां पर साहब HIO4 इसे यहां से तोड़ देगा और तोड़कर इस अल्कोहल को बना देगा एल्डिहाइड, और इस वाले अल्कोहल को भी क्या बना देगा? एल्डिहाइड। अगर बेटा ये दोनों एल्डिहाइड होते तो ये क्या बन जाता? एसिड। ये क्या बन जाता? एसिड। तो HIO4 किसे ऑक्सीडाइज करेगा? अल्कोहल को, एल्डिहाइड को, कीटोन को, कौन सा? कौन सा? आजू बाजू। समझ में? फोटो ले लो उसका फटाफट, 10-10 बार प्रैक्टिस करना इनकी। डन। क्या पता 2-4-5 क्वेश्चन आपके जो है नीट एग्जाम में इसी से आ जाए। तो हर एक ABCD को कितनी बार प्रैक्टिस करना है? 10 बार। जो मैं बोल रहा हूँ सच है, और जो आप सोच रहे हैं सब झूठ है, ध्यान रखना, ठीक है? मैं आपके बैच में वो सारी चीजें कवर कर रहा हूँ जो एक्चुअली आपके एग्जाम में आने वाली है। आ सकती है? नहीं आ सकती है? नहीं आने वाली है, ठीक है? तो ऑर्गेनिक गोल है, हमने रेड हॉट कॉपर ट्यूब से स्टार्ट करा, फिर ओजोनोलिसिस कराया, फिर केनिजारो करा दिया, फिर रिडक्शन करा दिया, फिर FSR करा दिया, फिर CL हटाकर क्या लगा दिया? OH। फिर ऑक्सीडेशन करा दिया, फिर नेम रिएक्शन में आइडोफॉर्म करा दिया, फिर AG के साथ हीट कर दें आइडोफॉर्म को तो वापस अल्काइन बन जाता है, फिर हम ESR में चले गए, फिर राजकुमारी कल्लू को भगा दिया, फिर हमने बोलवे करा दिया, फिर हम CO2 लेकर भाग गए, फिर हमने रीमा टीमा करा दिया, फिर जिंक डस्ट, फिर से ऑक्सीजन लेकर भाग गए, फिर से कैनिजारो करा दिया, और यहाँ पर फिर से ऑक्सीडेशन करा दिया।